गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं टारगेट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले क्लास बात की ऑक्सीडेशन, याद है ना? जो ऑक्सीडेशन बात किए थे, दूसरा ओजोनोलाइसिस बात किए थे। तो एक रिजेंट पूछ लेते हैं आपसे, और कैसे आप जवाब देंगे, तो आप फटाक से अपना कॉपी पे लिख लेंगे जो ये होता है, और फिर जो आंसर हम बोलेंगे तो आप मिलाना है। यदि आपसे हम पूछें बेयर्स रिजेंट क्या है, बेयर्स रिजेंट, तो हम क्या कहेंगे? कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट के MnO4 को हम लोग बेयर्स रिजेंट कहेंगे। और यदि अल्कीन पे बेयर्स रिजेंट का इस्तेमाल किया जाए तो डायऑल यानी भीग डायऑल का फॉर्मेशन होगा। भीग कहने का मतलब जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे दोनों OH ऐड होता है, इसीलिए हम लोग इसको भीग डायऑल कहते हैं। तो चलिए आज हम अगेन नेक्स्ट रिएक्शन बात करें, एडिशन रिएक्शन। दूसरा बात करें क्या, एडिशन रिएक्शन किसके साथ एडिशन, तो अल्कीन के साथ हम एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों से कहा जाए एडिशन रिएक्शन, तो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, यानी ये जो एडिशन रिएक्शन है ये उस मॉलिक्यूल में होगा जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उस मॉलिक्यूल में होगा, उस स्पेसीज में होगा जिसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां अल्कीन से एडिशन, तो आज हम बात करेंगे पहले एडिशन ऑफ कार्बीन, एडिशन ऑफ कार्बीन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें जो कार्बीन क्या है। तो जैसे ही हम लोगों को कार्बीन कहा जाए तो कार्बीन का मतलब होगा एक कार्बन जिसका दो बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, तो उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बीन। इस कार्बीन को दो वैरायटी में बांट दिया गया है, एक को कहा गया है सिंगलेट और दूसरे को कहा गया है ट्रिपलेट, एक सिंगलेट कार्बीन और दूसरा ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट जब एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो उस समय हम कहेंगे सिंगलेट, और दूसरा टर्म ट्रिपलेट, यदि हम लोग कार्बीन दो अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो उसको ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, ट्रिपलेट के नाम से जानेंगे। इस सिंगलेट और ट्रिपलेट में यदि कहा जाए जो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो ट्रिपलेट मोर स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी जो होगा वे ट्रिपलेट कार्बीन का ज्यादा और सिंगलेट कार्बीन का कम होता है। सिंगलेट का कम इसलिए होता है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में रहने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, और ट्रिपलेट का स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि दो अलग अलग ऑर्बिटल में रहने से ये ट्रिपलेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन का, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, तो ये जो फॉर्मेशन होता है, यदि हम लोग डाई एजो मीथेन CH2N2, ये है डाई एजो मीथेन, इस डाई एजो मीथेन को हीट कीजिए या सनलाइट रख दीजिए तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बीन का। इसी तरह से हम लोग कीटीन का बात करेंगे, ये कीटीन है, यदि कीटीन को हीट करें या सनलाइट प्रोवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, कार्बीन। हमेशा फॉर्मेशन जो होगा वे सिंगलेट कार्बीन का ही फॉर्मेशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ
इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन और इनर्ट सॉल्वेंट सिंगलेट कार्बीन इज फॉर्म सिंगलेट कार्बीन बनता है। यदि हम लोग ये नाइट्रोजन और इनर्ट सॉल्वेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये सिंगलेट कार्बीन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिपलेट कार्बीन में। इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एन टू और इनर्ट सॉल्वेंट सिंगलेट कार्बीन कन्वर्टेड इनटू ट्रिपलेट कार्बीन। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्रिपलेट कार्बीन में। तो इस तरह से ये जो कार्बीन है इस कार्बीन का प्रिपरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो यदि हम लोग सीस अल्किन लेते हैं, सीस अल्किन और उस पे सिंगलेट कार्बीन इस्तेमाल करते हैं, सिंगलेट कार्बीन, तो सीस साइक्लो अल्केन बनता है। साइक्लो अल्केन यदि सीस अल्कीन लेते हैं और उस पे सिंगलेट कार्बीन इस्तेमाल करते हैं तो सीस साइक्लो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। CH3H ये सीस है और सीस पे CH2N2 डाई एजोमीथेन और H न्यू हीट कर दें तो हीट होने के बाद यहाँ पे ये CH3 CH3H ये बन गया और ये सीस ही बना। इसी तरह से यदि हम ट्रांस ले लें ये ट्रांस ले लें CH2N2 H न्यू हीट कर दें या सनलाइट प्रोवाइड कर दें तो उस सिचुएशन में ये ट्रांस का ही फॉर्मेशन होगा। तो ये सिंगलेट यानी हम कैसे समझे? तो सबसे पहली बात, जैसे ही हम लोग डाइएजोमीथेन सनलाइट प्रोवाइड कर दें या नहीं तो हीट कर दें तो सिंगलेट कार्बीन ही बनेगा, ये बात हम लोगों को याद रखना होगा। और यदि सिंगलेट बनता है तो सीस है तो सीस और ट्रांस है तो ट्रांस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यदि हम लोग यहां पे सीस अल्कीन लें या ट्रांस अल्कीन लें, दोनों में से कोई भी अल्कीन लें और इस पे ट्रिपलेट कार्बीन का इस्तेमाल करें, ट्रिपलेट कार्बीन, तो उस सिचुएशन में प्रोडक्ट जो है दोनों ही केस में सीस प्लस ट्रांस दोनों बनेगा, सीस साइक्लो अल्केन बनेगा और प्लस ट्रांस साइक्लो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्या समझे बात को? यदि सीस अल्कीन लेंगे उस समय सीस साइक्लो अल्केन ट्रांस साइक्लो अल्केन और ट्रांस लें उस समय भी सीस और ट्रांस दोनों ही का फॉर्मेशन होगा। तो अब सवाल रहा, यदि यहां पे सीस लिए
ये एच न्यू और यहाँ पे एन टू नाइट्रोजन इस्तेमाल कर दिए और कंडीशन समझा ही दिए हैं। यदि नाइट्रोजन यूज कर दिया जाए या इनर्ट सॉल्वेंट यूज कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बनता तो है सिंगलेट में ही लेकिन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिपलेट में। तो एक प्रोडक्ट तो सीस रहेगा ही और प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वे हम लोगों को क्या मिलेगा बाबू, तो ये ट्रांस मिल जाएगा। ये ट्रांस है और ये क्या है, सीस है। इसी तरह से यदि हम ट्रांस भी लेते हैं तो एक ट्रांस तो मेरा प्रोडक्ट है ही और दूसरा जो प्रोडक्ट हो जाएगा हम लोगों का वे सीस भी हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सीस भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रांस और सीस दोनों ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं हम लोग। यदि इस तरह का हो CH3C यानी अल्काइन और यूज कर दिया जाए CH2CO ये किटीन है और हीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा। तो हम लोग देख लिए हैं जो किटीन यदि प्रेजेंट रहेगा, किटीन छोड़िए पहले CH2N2 डाई एजो मीथेन ही लीजिए, CH2N2 और हीट कर दीजिए। तो ये हम लोगों को यदि एक्सेस कह दिया जाए, एक्सेस कह दिया जाए तो व्हाट क्या बनेगा। तो जैसे ही हम लोग CH3 अब यहाँ पे ये CH2 ये कार्बिन बना और सिंगलेट कार्बिन है तो फर्स्ट टाइम ये CH3 और ये CH2 बनेगा, ठीक है। और अगेन ये सेकेंड टाइम जो है CH3 ऐसा CH2 ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है? तो एक और सवाल ले लेते हैं, देख लीजिए। यदि इस तरह का हो CH2 और CH2N2 ये हीट कर दिए तो व्हाट क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले आप लोग अपने से बनाइए क्योंकि कुछ नहीं लिमिटेशन किया गया, तो इसमें हम लोगों को जितना मोल का जरूरत होगा कार्बिन का उतना ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो CH2C ऐसा बनेगा और फिर CH2 ऐसा बनेगा, तो इस तरह से हम लोग कार्बिन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये किटीन है और प्रोडक्ट बनाना है आपको जो कैसे बनेगा, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यदि हम बात करें तो ये CH2CO यही प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं, CH2CH2 सेम यही है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बना रहे हैं, चलिए देखिए अब CH2CH2CH2 ऐसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए फिर से एक सवाल और ले लेते हैं, CH2CH2N2 हीट कर दिए। अब देखिए पहले अपने से ट्राई करके
उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए देखिए आप यहाँ से ये जब जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ कार्बिन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखिए तो ये कार्बिन बन जाएगा हैं। और जब कार्बिन बनेगा तो इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जब ऐड हो जाएगा तो CH2 और फिर ये CH2 इससे और इससे अटैच्ड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये CH रहेगा CH, हाँ ये जो है इधर से अटैच्ड है, एक CH होगा बाबू, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और बना करके दिखाइए, उम्मीद है जो बन जाना चाहिए। चलिए देखिए, देखिए जब तक अपने से प्रयास नहीं कीजिएगा जो कैसे बनता है तब तक नहीं होगा। थोड़ा सा आपको हम मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट समझा दिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बनाइए। चलिए बन गया है, चलिए देखिए तो ये प्रोडक्ट इस तरह से आपसे बना है कि नहीं, यही बन गया, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोकार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोकार्बिन। तो यदि हम CHCl3 अल्कोहलिक KOH और हीट कर दें तो फॉर्मेशन होगा क्लोरोकार्बिन का। इट इज ऑलवेज सिंगलेट, ये हमेशा जो होगा ये कैसा कार्बिन होगा, ये सिंगलेट कार्बिन ही होगा, क्लियर है। तो CHCl, जैसे ही एक्वस KOH है तो यहाँ हम जानते हैं, सॉरी अल्कोहलिक KOH है तो अल्कोहलिक KOH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KOH हो या NaOH, ये OH माइनस प्रोवाइड होगा, और जैसे ही OH माइनस प्रोवाइड होगा तो ये इस पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो इस तरह से ये CL यहाँ माइनस बनेगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस बन करके रिलीज होगा, निकलेगा, तो इस तरह से यहाँ से ये CL रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही CL रिलीज होगा तो ये कार्बिन बन जाएगा, यानी हमेशा ये जो है क्लोरोकार्बिन सिंगलेट ही होगा। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ये अल्कोहलिक KOH हो या एक्वस KOH, हमेशा क्या मिलेगा हमको, OH माइनस, और OH माइनस तो बेस है, और बेस तो ये H पर अटैक करेगा, और H क्या बन करके रिलीज होगा, H प्लस, तो H प्लस बन करके जैसे ही रिलीज होगा मतलब H2O बन करके निकल गया। अब जब ये H प्लस बन करके रिलीज हुआ तो ये कार्बन पर तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, यदि कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाए और उससे हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो वहां से रिलीज हो जाता है, क्या बन करके रिलीज होगा, तो Cl माइनस बन करके रिलीज होगा। अब जैसे ही माइनस बन करके रिलीज हो रहा है तो यहाँ प्लस, तो ऑलरेडी पहले से माइनस है इसीलिए न्यूट्रल बन गया होगा, और ये बन गया क्लोरोकार्बिन। और ये हमेशा क्या हम लोग समझे हैं, जो किस फॉर्म में रहेगा, तो सिंगलेट फॉर्म में रहेगा। तो हम लोगों को जरूरत है जो इतना जहां कहीं भी प्रोवाइड किया जाए तो ये समझना होगा जो कार्बिन बनता है क्लोरोकार्बिन बनता है, और दूसरा पॉइंट जो ऑलवेज जो है क्लोरोकार्बिन जो होगा वे किस फॉर्म में होगा, सिंगलेट में ही रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए बना लीजिए। तो इससे सबसे पहले याद रखना होगा
जो इस दोनों के मिलने से हम लोगों को ये ClCl ये कार्बिन मिलेगा, सिंगलेट कार्बिन, और जब मिलेगा तो CH3H और ये ClClH इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, इस तरह का ऐसा CClCl बन जाएगा। तो हम लोग ये कार्बिन से बना लिए, अब एक कुछ टिपिकल रिएक्शन बात करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। शिमोन स्मिथ रिएक्शन यह स्पेशल रिएक्शन है जो हम लोग अल्कीन यानी इथीन दे रहे हैं। यहाँ पे इथीन पे CH2I2ZN कॉपर और इथर के प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन हो जाता है CH2CH2CH2, यानी क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। तो हम लोगों से पूछ दिया जाएगा जो शिमोन स्मिथ रिएक्शन द्वारा किसका प्रिपरेशन होता है, तो साइक्लोप्रोपेन का। इसमें खास बात ये रहा, जो ये जो देख रहे हैं CH2I2 और ZN कॉपर कपुल को मिला करके एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसको कहा गया है कार्बिनॉइड, जिसको किस नाम से जाना गया है, कार्बिनॉइड। इस तरह से ये ZNI ये कार्बिनॉइड के नाम से जाना गया है, और ये इंटरमीडिएट ऑफ सिमोन स्मिथ रिएक्शन SS रिएक्शन, यही है सिमोन स्मिथ रिएक्शन। तो सिमोन स्मिथ रिएक्शन का इंटरमीडिएट कहा जाए हम लोगों से कौन होता है, तो किस क्या नाम देंगे, कार्बिनॉइड के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से कार्बिन से जितना भी रिएक्शन संभव था वे रिएक्शन आपको फिनिश्ड कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन का बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो हेलो बच्चों, अभी अब कुछ बगल में साउंड प्रॉब्लम के कारण क्लास को इतना ही पे रोक रहे हैं, ठीक है।